नमस्कार दोस्तों, टू लिटल ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कई बार इंसान चाहकर भी कुछ नहीं पाता है और कई बार कुछ ना करके ही सब कुछ पा लेता है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न भी है, बहुत कुछ है जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। हम दुर्भाग्य को कहीं खुद तो नहीं बुला रहे हैं अपने पास, इस बात का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। ये छोटे छोटे टिप्स जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, इसे अगर अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको वो बहुत कुछ मिल सकता है जो चीज़ आप सोचते हैं, ठीक है, चाहते हैं, लेकिन चाहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आज से ही सुधर जाइए और मेरे टिप्स को फॉलो कीजिए। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब हम अपनी किस्मत के आगे हार जाते हैं तो हम कोसते तो किस्मत को ही है, और उस वक्त इतने मतलब वीक हो जाते हैं कि हम चले जाते हैं ईश्वर के द्वार या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं अपने उपाय को ढूंढने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे अपनी दिनचर्या में अगर शामिल कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं और सौभाग्य तो यूं ही आपके पास चली आएगी। उस वक्त आपके अंदर वो रोग, खोब, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। कर्म ही हमारे सारे कार्यों के लिए वही है जो मतलब कर्म अच्छे होंगे तो ही हम कुछ पा सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं पा सकते हैं, है ना। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए पहला उपाय आप लोगों को बता देती हूँ। दोस्तों, सूर्य से पूर्व यानी सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म बेला यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज बनाए हैं, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़िए, हथेलियों को देखकर अपने मुंह पर फेरे पहले उसकी गर्माहट को, उसके बाद फिर हथेलियों को देखे और देखकर ये मंत्र कहे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है हमारे हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी है, हाथ के मूल में सरस्वती का वास है, अर्थात भगवान ने हमारे हाथों में इतनी ताकत दे रखी है जिसके बल पर हम धन यानी लक्ष्मी को अर्जित करते हैं, जिसके बल पर हम विद्या सरस्वती को प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, सरस्वती और लक्ष्मी जो हम अर्जित करते हैं उनका समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभु स्वयं हमारे हाथ के मध्य में बैठे हुए हैं। ऐसे में क्यों ना सुबह अपने हाथों का दर्शन हम करें, यानी कि प्रभु का दर्शन क्यों ना करें, और ये एहसास कराते हुए प्रभु को कि हम प्रभु के प्रति कितने कृतज्ञ हैं और उनकी ही दी हुई शक्ति जिससे हम आज का दिन शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला वाला ये आप जरूर कीजिएगा। अगला आता है, कब हम मौन रहे। तो देखिए, भोजन करते वक्त तो मौन रहना बहुत जरूरी है, बात करते हुए खाना बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, तो भोजन करते हुए तो मौन रहे, लेकिन साथ में जब मल मूत्र और ब्रश कर रहे हैं उस वक्त भी शांत रहना बहुत जरूरी है, तो शांत जरूर रहिए उस वक्त, ठीक है। अगला आता है कि योग और प्राणायाम को नियमित जीवनचर्या में शामिल जरूर कीजिए, ऐसा करने से शरीर हमेशा निरोग रहता है। उसके बाद आता है, प्रातःकाल अपने बड़े माता पिता, गुरुजन या फिर बड़े किसी को भी आप अगर आशीर्वाद लेते हैं तो आपका दिन शुरू मतलब होता ही अच्छे से है। तो ऋषियों ने भी कहा है कि जो भी माता बहन भाई बंधु अपने घर में रोज अपने बड़ों से, पति से, सास ससुर से, माता पिता से अगर रोज आशीर्वाद लेते हैं तो उनके घर में कभी भी अशांति नहीं होती है या फिर तलाक या फिर महामारी जैसी चीज़ें नहीं होती है। इसलिए अपने से बड़ों की इज्जत ज़रूर कीजिए, उनका आशीर्वाद भी ज़रूर लीजिए। अगला आता है, तिलक किए बिना अपने सिर को बिना ढके पूजा पाठ बिल्कुल मत कीजिए। इससे क्या होता है कि शुभ कार्य अशुभ में बदल जाता है और इसका सबसे बड़ा असर आप पर ही पड़ेगा। तो जहाँ तक हो सके सिर को ढकिए और तिलक लगाकर पूजा जरूर कीजिए या फिर किसी भी शुभ कार्य में इन सारी चीज़ों को फॉलो अप जरूर कीजिए। अगला आता है कि रोज नहा धोकर अपने शरीर को स्वच्छ रखिए, साफ वस्त्र पहनिए, गुरु और ईश्वर का चिंतन करते हुए अपने कार्य को, ईश्वर की सेवा करते हुए आरंभ कीजिए, ठीक है। कुछ भी खाने पीने से पहले गाय, कुत्ते और कौवे का भोजन जरूर निकालिए, इसको करने से आपके घर में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहेगा।
ठीक है, याद रहेगा। अगला है कि सोते समय कभी भी अपना सिरा ना पूर्व या दक्षिण की ओर रखिए, उत्तर की ओर मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप पूर्व या दक्षिण की ओर रखते हैं तो धन और आयु की वृद्धि होती है, उसी तरह अगर उत्तर की ओर सिरा ना रखते हैं तो आयु की हानि होती है, तो याद रखिएगा इस बात को भी। अगला है कि कभी भी बिंब के नीचे मत बैठिए, वो बिंब होती है ना, उस बिंब के नीचे कभी भी मत बैठिए और ना ही सोए, इससे आपके बॉडी में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, या फिर अचानक किसी भी रोग की स्टार्टिंग हो सकती है, कोई भी रोग अचानक से आपको हो सकता है, तो इसलिए बिंब के नीचे बैठना आपको बंद करने की जरूरत है। अगला है घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, ठीक है, इससे तो आधी नेगेटिविटी आपकी यूं ही खत्म हो जाएगी और साथ में जो सौभाग्य है वो आपके घर में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, तो तुलसी का पौधा घर में होना बहुत जरूरी है। अगला है कि घर में पोछा लगाते समय पानी में नमक या सेंधा नमक जरूर डालिए, घर के किसी भी खुले स्थान में कभी भी झाड़ू को या फिर पोछा लगाने वाले कपड़े को आप कभी भी खुला स्थान में मत रखिए, इससे वो नेगेटिविटी को ज़्यादा खींचती है, ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको छुपा के रखनी चाहिए और घर में पोछा लगाते वक्त हमेशा नमक का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अगला है कि घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटा हुआ शीशा, टूटी चारपाई, टूटी बेड, इन्हें कभी नहीं रखनी चाहिए, इनसे दरिद्रता का वास होता है और आपके घर में अगर कोई भी शुभ कार्य होने वाली होती है ना तो उसमें अड़चनें आती हैं, तो हमेशा इन सारे टूटे फूटे चीज़ों को घर से बाहर ही कर देने में भलाई है। अगली है कि अगर आपके घर में कोई भी बंद घड़ी है, नहीं चल रही है, तो उसे या तो ठीक करा लीजिए या तो फेंक दीजिए, क्योंकि बंद घड़ी गृहस्वामी के भाग्य को कम करती है, यानी कि जो अर्निंग मेम्बर है उसके भाग्य को वो रोक देती है, इसलिए बंद घड़ी को कभी भी अपने घर में मत रखा कीजिए। अगला आता है पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करने से आयु बढ़ती है, उसी तरह दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन से प्रेत होता है, ठीक है, और पश्चिम की ओर मुंह करके भोजन करने से रोग होता है, उत्तर की ओर मुंह करने से धन व आयु की प्राप्ति होती है, तो सोचना आपको है कि किस ओर मुंह करके आपको खाना खाना है। अगला आता है कि परोपकार का पालन कीजिए, असहाय गरीब और पशुओं की सेवा कीजिए, पर्यावरण की भी रक्षा कीजिए, क्योंकि हम इन लोगों की सेवा करेंगे तो हमें बदले में बहुत कुछ हम पाते भी है ना, तो इन लोगों की सेवा करनी भी बहुत ज़रूरी है, खास करके गरीब और असहाय की तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इनके विनिमय में आपको आशीर्वाद ही मिलेगा और कुछ नहीं, है ना, तो वो आशीर्वाद हमारे लिए क्या होता है, सौभाग्य होता है, तो हमेशा इन लोगों का आशीर्वाद आप ज़रूर लीजिए। अगला आता है कि अपने धर्म की रक्षा कीजिए, मानव समाज की रक्षा कीजिए, अपने देश और जन्मभूमि की रक्षा ज़रूर कीजिए, मन वाणी और कर्म से सदाचार का पालन कीजिए, कभी भी किसी को तकलीफ मत पहुँचाइए, कभी भी किसी को दुख मत दीजिए। और अगला आता है प्यार ही जीवन है, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दीजिए। तो आई होप ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप अपनाएंगे तो आपको सौभाग्य तो यूं ही आएंगे, दुर्भाग्य कोसों दूर रहेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन सारी चीज़ों का पालन कुछ दिन तक करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी दोस्तों अगर इन सारे टिप्स पर आप काम करते हैं तो आपके सौभाग्य को कोई नहीं दुर्भाग्य में बदल सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप ही ओनर है अपने लाइफ के, आप ही कर्ता धर्ता है अपने लाइफ के, तो इन सारी चीज़ों का स्टार्ट आज से ही कर दीजिए, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है, तो अभी से करना स्टार्ट कीजिए तो देखिएगा कि बहुत कुछ आप पा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।